हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम डॉट कॉम मई नीम इज रमनदीप सिंह एंड टूडे आई एम शेयरिंग अ टू वीक्स स्टडी प्लान टू वीक्स रिविजन प्लान बेसिकली फॉर द आई बी पी एस आर आर बी स्केल टू एंड स्केल थ्री एग्जाम राइट सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू शेयर वॉट यू शूड स्टडी वॉट एग्जैक्टली यू शूड स्टडी क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ के जो है आपके मार्क्स मैक्सीमाइज़ हो सकते हैं सो स्टे विद मी

इफ़ यू और क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन इज स्ट्रोंग अगर आपका ये स्ट्रोंग है रीजनिंग और क्वान्ट में से आई होप आपका एक स्ट्रोंग सेक्शन होगा सबका होता है इन दोनों में से इफ़ क्वान्ट स्ट्रोंग यू शुड अटैम्प्ट क्वान्ट द बिगिनिंग ये स्टार्टिंग में आप अटैम्प्ट करें क्वानिटिव एप्टीट्यूड एंड देन मे बी रीजनिंग एंड देन दिस कैन बी द रीजनिंग एंड मेक श्योर की आप uh, जो क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट कर रहे हैं दिस इज़ एक घंटे में वन आर वन आर में आपको ये दोनों सेशन सेक्शन करने हैं वन आर और मे बी वन आर और टेन मिनट्स वन आर मैक्सिमम आप इतना करो वैसे एंड देन फाइनेंशियल अवेरनेस इट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग मोस्ट प्रोबेबली यूल बी एबल टू कम्प्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस विद इन लाइक ट्वेंटी मिनट्स ईजिल यू कैन कवर दैट विद इन लाइक ट्वेंटी मिनट्स इजिल इंग्लिश लैंग्वेज अगेन ट्वेंटी मिनट्स कंप्यूटर नॉलेज मे बी टेन टू फिफ्टीन मिनट जो पाँच से दस मिनट बचते हैं यू विल गो बैक टू रीजनिंग और कॉन्डिटिव एप्टीट्यूड सेक्शन एंड जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे राइट सो आई रिकमेंड जस्ट रीड ऑल द फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इंग्लिश और वॉट इफ़ द हिंदी लैंग्वेज यूर ऑप्टिंग सो फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंग्लिश यहाँ पर टाइम इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट एट ऑल टाइम इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट इन इंग्लिश एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इवन इन द कम्प्यूटर अवेयरनेस टाइम नॉट अ कॉन्स्टेंट इन तीनों में टाइम का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है टाइम कॉन्स्टेंट होता है रीजनिंग और कॉन्डीट्यूड में ठीक है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विदिडव एप्टीट्यूड इसकी तैयारी कैसे करनी है स्टार्ट विदेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स सी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एट लीस्ट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी सेट्स वराइटी ऑफ सेट यू शुड प्रैक्टिस दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू डूंगशन एग्जाम में काफी ज्यादा वेटेज है अगर देर आर फिफ्टी मार्क्स और फोर्टी क्वेश्चन राइट आउट ऑफ फोर्टी क्वेश्चन आई टेल यू दैट फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन डायरेक्टली और ट्वेंटी प्लस मार्क्स बाईस तेईस मार्क्स जो है आपके डायरेक्टली फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन ओनली सो देर इज अ लॉट ऑफ वेटेज टू द डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इट इज एक्चुअली ईजी ईजियर देन पजल्स एंड सिटिंग अरेन्जमेंट का उससे ईजियर है मैं कैसे बोल रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं जनरली एक्यूरेसी ज्यादा होती है और टाइम कम लगता है मूविंग फॉरवर्ड टू बोर्ड्स स्ट्रीम्स टाइम एंड वर्क इन सब के दस क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए बोर्ड्स एंड स्ट्रीम टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्टनरशिप मिक्सचर्स एंड एलिगेशन एजेस एंड एवरेजेस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पाइप एंड सिस्टम एरिया एंड वॉल्यूम नंबर सीरीज लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये सारे आपको करने हैं राइट क्वेश्चन आप इसके कर लीजिए दैट वुड हेल्प यू फॉर श्योर आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं नाउ इट्स टाइम टू डू टेन क्वेश्चन ईच लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स मूव फॉर्वर्ड टू द रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन सी स्टूडेंट 40 क्वेश्चंस आर देयर 40 क्वेश्चंस आर देयर इन द रीजनिंग एबिलिटी यू कैन एक्सपेक्ट टू सेट्स ऑफ पजल्स टू सेट्स ऑफ पजल्स

यू नो इन केस यू आर गेटिंग द एूरेसी अगर आपकी एक्यूरेसी है ऑलरेडी पर्जल्स में देन गो फॉर इट ओके अदरवाइज आप टाइम बहुत वेस्ट करोगे इतना टाइम है नहीं क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं ठीक है अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत कम आती है हमेशा से ही राइट नाओ मुझे नहीं लगता वो सही समय है वो क्वेश्चन के पीछे पढ़ने का और एग्जाम में टाइम वेस्ट करने का ठीक है एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स मशीन इनपुट आउटपुट ऑर्डर रैंकिंग इन इक्वालिटी स्टेटमेंट इन एग्जामेशन स्टेटमेंट इन कंक्लूजन कोडिंग डी कोडिंग कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट सेलॉजिज्म ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस टेस्ट। स्टूडेंट्स आई एम, टेलिंग यू दैट रिलेटिवली ये वाले जो टॉपिक्स हैं जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के जितने टॉपिक्स हैं दे आर वेरी वेरी ईजी बहुत स्कोरिंग है अगर पजल आपसे सॉल्व नहीं हो रही है इनकेस तो दीज आर एक्चुअली वेरी इजी मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं यही देखता हूँ स्टूडेंट पजल में ही फंस जाते हैं या किसी सीटिंग अरेंजमेंट में फंस जाते हैं दे जस्ट हैव लेट्स से थर्टी मिनट्स आपके पास थर्टी मिनट्स थर्टी फाइव मिनट्स हैं एंड आपने मान लीजिए दस मिनट किसी पजल में लगा दी और आपसे सॉल्व नहीं हुई आपका एग्जाम ख़त्म हो जाता है एक तरीके से ये सेश, पूरा सेक्शन ख़त्म हो जाता है आप नहीं क्रैक कर सकते फिर इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक द एग्ज़ाम तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो पहले 20 क्वेश्चन बाकी इसमें से जो 20 क्वेश्चन हैं 13 से 15 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पांच क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट या डिफिकल्ट होते हैं 13, 14, 15 क्वेश्चन इजी होते हैं गेट दॉर्स दोर्स 13 टू 15 क्वेश्चन पहले वो आप 13 से 15 क्वेश्चन आप ले लो वो कर लो एंड देन मूव फॉरवर्ड देन आप सिटिंग अरेजमेंट पे करो या पजल करो पूरा आपको पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते पूरा रीजनिंग एबिलिटी अटैम्प्ट नहीं कर सकते दैट इज डिफिकल्टई मीन इट्स डिफिकल्ट स्कोर लाइक मोर देन थर्टी एक्चुअली बट स्टिल वॉट माई रिकमेंडेशन इज कि पहले ये वाले टॉपिक्स करने आपने राइट एंड देन मूव टू सिटिंग अरेंजमेंट ऑल दो यू आर गुड एट इट अगर चाहे इसमें सिटिंग अरेंजमेंट पजल में अच्छे हो लेकिन पहले ये छोटे टॉपिक करो देन मूव टू पजल्स एंड सिटिंग अरेजमेंट राइट ठीक है फाइनेंशियल अवेयरनेस देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये ट्रेंड है आर सर्कुलर्स में से पाँच सात क्वेश्चन आते हैं हर साल देर आर एक्ट्स लाइक आई बी सी नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट अगर आ गए तो तीन चार पाँच क्वेश्चन आ जाते हैं बैंकिंग हिस्ट्री इज़ देयर करंट अफेयर्स इज देयर बैंकिंग अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस में मैं आगे बताता हूँ क्या आता है स्टैटिक बैंकिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एफ एम में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं हैं यूनियन बजट में से एक दो क्वेश्चन आते हैं ये बेसिक एक पैटर्न है बेस्ड अपॉन द ट्रेंड ऐसे uh, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सो so बेसिकली आपको आर के सर्कुलर करने हैं लास्ट वन ईयर के एक्ट्स करने हैं आई बी सी सरफाइसी नेगोशियबल और कंपनीज कंपनीज का बेसिक इतना करिए से आगे जाने का मुझे कोई सेंस लगता नहीं I, I think that is sufficient, है आई थिंक दैट इज सफिशेंट ठीक है बैंकिंग हिस्ट्री का बेसिक्स आप पढ़ लीजिए आरबीआई कब यू नो इन एक्ट हुआ था uh, पहले गवर्नर कौन थे ठीक है बेसिक uh, आपको एक बैंकिंग हिस्ट्री पता होनी चाहिए uh, नबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था राइट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग लास्ट सिक्स मंथ्स कौन से बैंक्स uh, का कोई मर्जर हुआ है न्यू सी एम डी और न्यू चेयरमैन हैज़ बिन अपॉइंटेड एंड न्यू सी ई ऑफ द बैंक हैज़ बिन अपॉइंटेड राइट या uh, कोई एम ओ यू हुआ है किसी बैंक के साथ या uh, कोई लोन अग्रीमेंट है दैट इज इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स आर एक्चुअली द प्रोडक्ट्स कोई बैंक ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू बैंकिंग लाइक मुद्रा योजना लाइक जनधन योजना लाइक लॉट ऑफ अदर स्कीम्स पेंशन स्कीम्स आर दे एनी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स आई हैव ऑलरेडी डन अ क्लास ऑन दैट रेशियो एनालिसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट कैपिटल बजटिंग लेवरेजेस लास्ट ईयर्स में कुछ खास आया नहीं है इनमें से बट स्टिल आई टीच दीज टॉपिक्स टू माई स्टूडेंट्स ब्रेक एवं पॉइंट रेशियो एनालिसिस आई स्टिल टीच पिछले सालों में इनमें से कुछ आया नहीं है रेशियो एनालिसिस प्रैक्टिकल नुमैरिकल्स में से ज्यादा कुछ नहीं आया है पिछले सालों में बट स्टिल आई टीच दैट यूनियन बजट स्टार्टिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट एंड द फुलॉर्म्स फोरकास्टेड जी डी पी नंबर बहुत ईजी है वी मेक द टेबल जस्ट गो थ्रू द पावर कैप्स्यूल दैट वी हैव प्रोवाइडेड इन द कॉस पावर कैप्स्यूल पढ़िए आप उसमें ये आपको मिल जाएगा कमेटीज अपॉइंटमेंट्स एम यूज लोन अग्रीमेंट्स मर्जर्स एंड एक्विजिशन प्रोडक्ट्स एंड ऐप्स लॉन्च बाय द बैंक ठीक है ये हो गया आपका एंड देन कंप्यूटर नॉलेज में वही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बेसिक्स सिस्टम के बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आ गया इंटरनेट की टर्म्स इंटरनेट सर्विसज एम एस ऑफिस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्किंग डेटा बेस डेटा बेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी टूल्स दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट यू आर सपोज टू डू इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से ठीक है एंड द ई बुक दैट वी हैव्यूटर अवेयरनेस जस्ट गो थ्रू दैट एंड आई गेस दैट सफिशंट इंग्लिश लैंग्वेज में आर सीज हैं आपकी बेसिक द uh, सब से ज्यादा वेटेज इसी की है आपको शायद तीन आर सीज देखने को मिलेंगी उसी आर सी में ही आपको क्लोज टेस्ट होगा एंड उसी आर सी में वो कैबलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे

क्विजेज सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा सारे बेसल नॉर्म्स एंड एवरी थिंग लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन वी डू द लाइव क्लासेज डू द रिकॉर्डेड सेशन स्टडी मटीरियल फुल इन टेस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस एवरी थिंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट Even in last years in 2021, when we did the course, all these students that took our courses and they cracked their respective exams in 2021, in 2020, 2019, 2019, Vijaya Bank, Bank of India Credit Officer, Bank of Baroda Wealth Management. All these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. I'm really, really happy for them. Uh, you should join the course. It's available on bankexamstudy.com. This is my number it's 9067201000. This is my personal WhatsApp number. And in case of any doubt, drop your WhatsApp message or the link to join the course is available in the description. Please check the description. And in case of any doubt, ask your questions. That's all for today, students. Like this video and share this video with your friends. That would be helpful. Thank you.